definition and meanings so in this session we are going to discuss the definition and meanings of democracy that what is democracy and how the experts of this field how they are trying to define this concept and a very famous definition by lord bryce because he defined that the word democracy has been used ever since the time of Ancient time period, and at that time the government is basically the uh, the power of the government and the practices of that power in the state that calls the uh, system of democracy. then a very famous definition by Abraham Lincoln, as he defines that democracy is the government of people by the people and for the people. and uh, as well as getel defines that democracy is the form of government in which the mass of the population possess the right to share in the exercise of sovereign power. so there is a variety of definitions uh, given by the experts regarding the concept of democracy. बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिकली क्रिएटेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल यानी इसके अगर कॉम्पोनेंट्स हम जानना चाहें तो लोग हैं पीपल हैं देन दे राइट टू पार्टिसपेट दूसरा मेजर कॉम्पोनेंट जो है जो एक्चुअली ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट की वो है दे राइट ऑफ रिप्रजेंटेशन वो अपनी हक को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अगेन एक डिबेटेबल बात है लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का होना लोगों का अपनी राय का इज़हार करना और फिर उन्हीं के राय के इजहार के नतीजे में गवर्नमेंट का क्याम हुकूमत का बनना यानी रूलर्स को जो पावर दी गई हैं या दी जाती हैं सिस्टम की तरफ से वो कहाँ से डिराइव होती हैं वो बेसिकली जब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं तो उस इजहार के नतीजे के तौर पर जिनके पास मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत को कायम करेंगे यहाँ हमें एक बात को और भी देखना है कि डेमोक्रेसीज़ जो हैं वो बज़ाहिर डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है लेकिन डेमोक्रेसीज़ को फर्दर उसकी प्रैक्टिसेस को कई शक्लों में डिवाइड किया जाता है जैसे कुछ डेमोक्रेसीज़ जो हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती हैं कुछ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती हैं कुछ आजकल के दौर के अंदर लिबरल डेमोक्रेसीज़ कहलाती हैं कुछ इलिबरल डेमोक्रेसीज होती हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती हैं ये सब जो कैटेगरीज़ हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट वी कैन काउंट ये ये किस वजह से हैं जब डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है

के लेवल ऑफ़ पार्टिसिपेशन लोगों की पार्टिसिपेशन का लेवल कितना था और उस पार्टिसिपेशन की बेस पर क्या प्योरली लोगों की रिप्रेजेंटेशन की बेस पर हुकूमत बनी लोगों की रिप्रेजेंटेशन को कितना वेटेज दिया है सिस्टम ने यह एक बेसिक क्राइटेरिया है जो दुनिया में शुरू से लेकर आज तक डेमोक्रेसी की मुख्त इकसाम को मतिन करने के लिए पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है यानी जहां बात डेमोक्रेसी में लोगों की है वहां पैरल जो बात है वो रूलर्स की है लोगों की नुमाइंदा हकूमत लेकिन अगर लोगों की नुमाइंदा हुकूमत के पास कितना हक है कि वो असल में नुमाइंदा है क्या वो डायरेक्टली लोगों के वोटों से क्रिएट हुई है क्या सिस्टम इनडायरेक्ट है तो ये सब की सब बेसिस जो हैं वो डेमोक्रेसी की टाइप या नेचर को डिटरमिन करने में हमें हेल्पफुल uh, होते हैं